प्लेसेस गुवाहाटी की जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। अगर आप गुवाहाटी जाने का प्लान कर रहे हो या अगर आप गुवाहाटी में हो तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मोस्टली प्लेसेस मैं आपको दिखा सकूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं गणेश मंदिर गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जो कि है गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास। हम काफ़ी पुराना मंदिर है एंड बीच में ही आता है ये बैप्टिस्ट चर्च, जो कि गुवाहाटी पान बाजार पुलिस स्टेशन के पास ही है। अभी हम आ गए हैं हैंडी गर्ल्स कॉलेज के पास। ये कॉलेज एरिया एंड ये डिग्री पुखरी है, यहीं पर गुवाहाटी हाई कोर्ट भी है। ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट। हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर एंड अभी सुबह सुबह की पूजा हो रही है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। पहले ये छोटा सा मंदिर हुआ करता था, वहीं पूजा की जाती थी। ये छोटा सा मंदिर यहाँ पर है, अभी भी यहाँ पर है ये मंदिर एंड अभी इसे बड़ा बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमने बप्पा के दर्शन किए। गणेश मंदिर के पास ही ये गुवाहाटी प्लानिटोरियम है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गणेश मंदिर के पास ही है। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बेलव्यू पॉइंट। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है उमानंदा घाट। यहाँ से फेरीज वगैरह जाती है उमानंद आइलैंड के लिए, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है वहाँ पर। यहाँ पर फिश मार्केट लगता है सुबह। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेलव्यू व्यू पॉइंट, जो कि उजान बाज़ार में है राजभवन के पास। वहाँ से आपको पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का व्यू देख सकते हैं आप। तो हम पहुँच चुके हैं बेलव्यू के पास। आप यहाँ से पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर देख सकते हैं। बहुत ही शांत एरिया है। मोस्टली ये यंगस्टर्स के लिए हैंग आउट करने की प्लेस है, बट अगर आप नेचर लवर हो तो आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आएगी जगह। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए एंड जॉगिंग के लिए भी यहाँ पर आते हैं। ये है डिगली पुखरी, जो कि हैंडी गर्ल्स कॉलेज के पास है, गणेश मंदिर के पास ही है ये। यहाँ शाम को बोटिंग ये सब भी होती है, अगर आपको बोटिंग करना पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये है वार मेमोरियल। आप देख सकते हैं लोग शाम को बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। एंड इसी के पास ये पार्क है छोटा सा बच्चों के लिए। यहाँ पर काफ़ी स्लाइड्स एंड स्विंग्स है बच्चों के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे बच्चे और भाभी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये स्टेट म्यूज़ियम है गुवाहाटी का। अगर आपको असम के ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में जानना है तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। म्यूज़ियम डिगली पुखरी के पास ही है, यहीं पर है हैंडी गर्ल्स कॉलेज। ये हैंडी गर्ल्स कॉलेज, यहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। एंड इसी के पास है डिगली पुखरी।
ये है नेहरू पार्क, यहाँ बच्चों के लिए स्लाइड्स एंड स्विंग्स है। एंड यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो म्यूजिकल फाउंटेन है जो कि शाम को शुरू होता है। एंड यहाँ पर काफ़ी फूड स्टॉल्स भी लगते हैं बाहर शाम को। ये है फूड विला, ये जस्ट नेहरू पार्क के पास ही है। यहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, अंदर ही यहाँ पर डोमिनोज भी है एंड मॉकटेल्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं आप। तो हमें थोड़ी भूख लग गई थी इसीलिए हम यहाँ आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर बैठने का भी अरेंजमेंट है, अगर आपको चाट वगैरह खाना है तो आप बाहर बैठ के खा सकते हैं, बट हमें पिज़्ज़ा खाना था इसीलिए हम अंदर चले गए। यहाँ फ्रंट में आप चाइनीज़ वगैरह चाट वगैरह खा सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता था इसीलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अभी मैं आपको नेहरू पार्क के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लग चुके हैं एंड ये शाम का वक्त है।